हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज़। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, ये तो आप जान ही रहे हैं कि रामायण में जिस व्यक्ति ने रावण का किरदार निभाया उनका नाम अरविंद त्रिवेदी है। ऐसे में आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि रावण की भूमिका के लिए अरविंद त्रिवेदी रामानंद सागर की पहली पसंद नहीं थे। उनकी जगह कोई और इस भूमिका को निभाने वाला था। जी हाँ, जब रामानंद सागर रामायण बनाने जा रहे थे तो उस वक्त अमरीश पुरी रावण के लिए उनकी पहली पसंद थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रामायण में जिस अरुण गोविल ने राम की भूमिका निभाई है और जिनके अभिनय की वजह से रामायण की सुंदरता में 4 चांद लग गए, उनकी ओर से भी रावण की भूमिका के लिए अमरीश पुरी का ही नाम बताया गया था। वे भी अमरीश पुरी को ही रावण के तौर पर इस सीरियल में पसंद कर रहे थे। उनका कहना था कि अमरीश पुरी रावण के किरदार में सबसे सटीक बैठेंगे। लेकिन अरुण गोविल ही नहीं बल्कि सीरियल से जुड़े हुए बाकी लोग भी वे भी रावण के रूप में अमरीश पुरी को ही देखना चाहते थे। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो उसी दौरान गुजरात से मुंबई तक का सफ़र अरविंद त्रिवेदी ने यह जानकर तय किया था कि रामायण सीरियल के लिए कास्टिंग इस वक्त मुंबई में चल रही है। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि जिस अरविंद त्रिवेदी ने रामायण में रावण की भूमिका निभाई है, यहाँ रावण के किरदार के लिए नहीं बल्कि केवट के लिए ऑडिशन देने के लिए पहुँचे थे। फिर भी जिसकी किस्मत में जो होता है उसे आखिरकार वही मिलता है। रामानंद सागर से जब पहली मुलाकात अरविंद त्रिवेदी की हुई, उस दौरान रामानंद ने अपने मन में विचार कर लिया था कि उनका रावण उन्हें मिल गया है। अरविंद त्रिवेदी की बॉडी लैंग्वेज रामानंद सागर को इतनी पसंद आई थी कि उसे देखने के साथ ही रामानंद सागर ने यह अपने मन में सुनिश्चित कर लिया था कि अमरीश पुरी नहीं बल्कि रावण के लिए रामायण में वे अरविंद त्रिवेदी को चुनेंगे। रावण की भूमिका में आज भी लोग अरविंद त्रिवेदी को ही रामायण में बहुत पसंद करते हैं।